नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मुगरावासापुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन शिव गोविंद साहू के ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया है बलात्कार का। उनके साथ चार लोगों के खिलाफ मुगरावासापुर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है और इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं तहसीमुल हक और बन्ने भाई। आप भी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके हैं, इसीलिए आज हमारी टीम एक सर्वे के तहत आपके पास आई है कि आपका क्या कहना है, क्योंकि एक नगर के चेयरमैन के ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है। आइए बात करते हैं बन्ने भाई से। बन्ने भाई, नगर पालिका के चेयरमैन के ऊपर महिला परमिला नामक महिला आरोप लगा रही बलात्कार का, चार आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। आप नगर पालिका का चुनाव लड़ चुके हैं अध्यक्ष पद का, क्या कहना है आपका? ये तो यहाँ जो शासन की मंशा है, अब ये मामला तो कोर्ट में चला गया है। 156 के तहत जो कार्रवाई हो रही है और यहाँ मुकदमा नहीं लिखा गया था, बड़ी तफ्तीश हुई, बहुत कुछ समझा गया। चेयरमैन तो भाई हम लोग तो जानते हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत अच्छे हैं और उन पे जिस तरह से आरोप लगा है ये बेबुनियाद है। अब शासन ये तय करेगी कि ये दोषी हैं या नहीं है, अब ये तो शासन के ऊपर है। आप पूर्व सांसद प्रतिनिधि रह चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिनती आपकी होती है, आप नगर पालिका का अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़े हुए हैं, क्या ऐसे चेयरमैन ऐसे पद पर बैठने वाले व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना ये ठीक है? आरोप और प्रत्यारोप तो लगता रहता है, लेकिन जनता और समाज ये उनकी जिम्मेदारी है और जो जांच चल रही है अगर सही होगा तो सही होगा, अगर नहीं होगा तो उसको कोई उसमें किसी प्रकार की वो कुछ नहीं हो पाएगा। वो चेयरमैन अच्छा है, इसको पूरी पूरा बादशाहपुर जानता है। अब देखिए शासन तहत जो कार्रवाई हो रही है उस पर जो चीज निकल गया है वो जनता के सामने आ जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया है हमको तो विश्वास ही नहीं होता कि श्री गोविंद साहू जी कितना तक कोई कार्य, क्या ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं नजर आ रहा है आपको? अब देखिए शासन सत्ता है, भाजपा की सरकार चल रही है, अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, यहाँ भी कुछ यहाँ विधायक भी हैं, सुषमा पटेल जी हैं, पूर्व विधायिका जी हमारी हैं। अब ये लोग की पार्टी की मतलब कि विधायिका जी खुद इतनी बड़े पार्टी में हैं, केंद्र और उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है और उनके वो साथ हैं, जब वो उनके साथ हैं तो किसी प्रकार की हमको तो नहीं लगता उनके ऊपर कोई भी दोष साबित हो पाएगा। अभी आपने देखा किस तरीके से एक पूर्व सांसद प्रतिनिधि तहसीमुल हक बन्ने भाई, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और नगर पालिका परिषद मुगरावासापुर अध्यक्ष पद का आपने चुनाव भी लड़ा है, आपने कहा नगर के मुखिया यानी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शिव गोविंद साहू को पर जो आरोप लग रहा है यह सरासर गलत है, सच्चाई क्या है या तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं SS पांडे, मुगरावासापुर, जौनपुर।